अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं दोबारा अपने चैनल पर वापस आई हूँ पूरे एक साल के बाद। जी हाँ, एक साल के बाद मुझे भी याद आ गया मेरा एक चैनल है। और थोड़ी सी मसरूफियात भी थी, कुछ ऐसे वाक़यात थे जिसकी वजह से मैं चैनल ज्वाइन नहीं कर पाई, कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन अब आपके साथ रेसिपीज़ आती रहेंगी। आज मैंने बनाया बैंगन का भरता, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। जी, बैंगन का भरता मेरे घर में ही मैंने खुद ही बैंगन उगाए और कुछ तीन चार बैंगन उसके ऊपर लग गए, तो मुझे ख्याल आया चलो मैं इसको बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जी, मैंने ऐसे चूल्हे के ऊपर एक स्टैंड रख के उसके ऊपर थोड़ा सा बैंगन को रोस्ट कर लिया, क्योंकि इसके साथ बड़ा स्मोकी सा और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पुराने ज़माने में शायद आप लोगों को याद हो, आपकी नानी दादी तंदूर के अंदर चूल्हे के अंदर थोड़ा सा बैंगन को ऐसे थोड़ा सा स्मोकी सा उसको एक टच दे के फिर उसके बाद उसको छील के या इसी तरीके से सालन बनाते थे, या दही में भी ये रायते में भी यूज़ होते हैं। खैर, मैंने इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, उसके साथ टमाटर को भी थोड़ा सा रोस्ट, तवे इसको स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे इसको साइड चेंज किया, उनको करके रख लिया। और फिर मैंने थोड़ा सा प्याज को सौते किया, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया ज़ीरे के साथ ऑयल डाल के। और जो मैंने प्याज अपने सॉफ्ट करके रखे हुए थे उनको चूल्हे के ऊपर ग्रेट करके रखा हुआ था, उनको कट कर लिया और उसके अंदर पैन के अंदर डाल दिया। इसको बस अब थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, कवर लगा के रख देंगे ताकि टमाटर और प्याज दोनों नरम हो जाए, टमाटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम अपने इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए आप दम में रख लें, टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इसको इस तरीके से पीस लें, थोड़ा सा मैश कर लें। फिर इसके बाद हम इसमें अपने मसाले डालने शुरू करेंगे। और अगर आप बैंगन का पूरा छिलका उतार रहे हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। मैंने थोड़ा खराब छिलका उतारा था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किए थे, आप बहुत ज़्यादा भी इनको सॉफ्ट कर सकते हैं चूल्हे के ऊपर। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले नमक जाएगा, अपनी हफ्ते जैसा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लें। फिर इसके बाद इसमें सूखा धनिया मुझे बहुत पसंद है। सालन में कोई भी सब्ज़ी हो गोश्त हो, सूखा धनिया इसमें ज़्यादा सारा भर के डाला करें, कोई नुकसान नहीं, अच्छा टेस्ट आता। और फिर इसके बाद इसमें जाएगी कलौंजी और मेथी दाना। कलौंजी में वैसे भी सफ़ा होती है और सब्जियों के अंदर ये स्पेशली बहुत अच्छा टेस्ट देती है कलौंजी और मेथी दाना। और इसके बाद हम दूसरे स्पाइसी ऐड करेंगे लाल मिर्च। मैं दादर मिर्च यूज़ करती हूँ, मैं किसी भी पाउडर वाली मिर्च यूज़ नहीं करती, मुझे इससे उसका टेस्ट ही नहीं पसंद और वैसे भी वो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं थोड़ी सी दादर मिर्च यूज़ करती हूँ। सब्जियों में अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा अनारदाना धो के अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे भी डाल दिया क्योंकि मुझे ऐसे चुबाने में इसको कोई मसला नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। अनारदाना इसका अनारदाना डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाले के अंदर ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, भून जाएँ, उनकी कच्ची स्मेल आए, उनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला अच्छे तरीके से भूनने के बाद जब ये भून जाएगा तो फिर इसमें बैंगन इसमें ऐड कर लेंगे। ये बैंगन मैंने कट करके रखी है, नरम तो ये हो चुके हैं बस इनको ऐसे मैंने साइड पे करके रख लिया। और ये हरी मिर्ची मैंने थोड़ी सी ली, इनके अंदर मैंने अचार गोश्त के मसाले का नेशनल वाला मसाला वो भरा हुआ है, आप इसके अंदर चाट मसाला भी सिंपल भर सकते हैं। और अगर आपके घर अचार है तो इसका मसाला ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें भरना है, ज़्यादा नहीं भरना क्योंकि वो फिर सब्ज़ी में सिर्फ अचार का टेस्ट आएगा, ये हम एंड में शामिल करेंगे क्योंकि ज़्यादा नरम करने के बाद मिर्च खाने का मज़ा नहीं आता। अपनी सब्ज़ी के साथ थोड़ी सी कच्ची कच्ची मिर्च हो तो उसको खाने का बहुत अच्छा एक अलग ही फ्लेवर आता है। मसाला अच्छी तरह हमारा भून चुका है, इसके बाद हम इसमें बैंगन को शामिल कर देंगे। देखिए मसाले में भी छोड़ दिया और अच्छे तरीके से टमाटर और प्याज डाल देंगे और मिक्स हो गया मसाले भी। अब इसमें डाल देंगे हम बैंगन डाल के बिल्कुल पानी का छींटा लगा के, हल्का सा पानी का छींटा लगा के इसको दम लगा देंगे। और 5-7 या 10 मिनट के दम के बाद आप ढक्कन उठाएंगे, देखेंगे बैंगन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके होंगे, बहुत नरम होंगे। इसको इस तरीके से अंदर मैश करेंगे, अगर अपने वैसे ही रहने देंगे खड़े टुकड़ों की सूरत में तो वो वैसे भी अच्छा, लेकिन हम भरता बना रहे हैं तो भरता मैश ही अच्छा लगता है, मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है। इसलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया, अच्छे तरीके से इसको मैश कर लें और इसकी भुनाई कर लें, अच्छी वाली भुनाई करें। इससे आपको खुशबू खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी, एक बहुत अच्छा रोमा आता है। जो आपने अनारदाना ऐड कर लेंगे, जीरा ऐड कर लेंगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अब
बहुत यकीन करें बहुत टेस्टी बने थे, मैंने कुछ खाए हैं बहुत मज़े के थे, बल्कि खिला के मैंने चेक भी किए। अच्छा ये इसमें हरी मिर्च मैंने डाल दी, हरी मिर्च डालने के बाद सभी धनिया डालेंगे और इसको 2-4 मिनट के लिए बस दम पे रख देंगे। हरी मिर्च को हमें बहुत ज़्यादा गिलाना नहीं है, इसको आप वैसे मवाले के साथ तोड़ के खाएंगे तो बहुत टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, साथ डाल देंगे और इसको दम पे रख देंगे ताकि हरे धनिया के भी खुशबू अच्छे से इसके अंदर शामिल हो जाए। हमारा बैंगन का भरता तैयार हो गया, अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बहुत टेस्टी, इसको तंदूर की रोटी के साथ दोपहर के वक्त खाएं, मज़ा आ जाएगा लाजवाब। इसके साथ अगर अचार भी आप खाना चाहें, ना भी खाना चाहें, तो ये वैसे ही बहुत टेस्टी है। और अगर इसको आलू बैंगन आपको खाना है, इसका भी मैं तरीका आपको बता रही हूँ। आपने आलू बैंगन के लिए सेम वैसे ही मसाला भून के आपने बैंगन के साथ आलू भी खा के छोटे छोटे शामिल कर देने हैं। जैसे मसाला भूनने के बाद उसको वैसे ही जैसे मैंने दूसरे तरीके भरते के लिए बनाया, इसके लिए भी सेम वैसे ही मसाला बना के और इसमें हम बैंगन डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे, और इसके साथ हम आलू भी डाल देंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी लगा के, बिल्कुल थोड़ा सा आलूओं के लिए, वरना इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। आलू डालने के बाद इसको थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा ग्लास पानी के साथ दम में रखेंगे ताकि आलू अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि तो वो तो पहले से रोस्ट हैं वो तो गल जाएंगे। वैसे बैंगन जल्दी गल जाता है लेकिन आलू इसमें जल्दी नहीं गलते, तो इसके लिए आलू के लिए हमें थोड़ा सा पानी लगाना पड़ेगा। तकरीबन आप आधा ग्लास पानी लगा लें, वैसे बैंगन को आप मिक्स अच्छे तरीके से आलू के साथ मिक्स करके दम लगा के इसको पानी लगा के रख दें। जब आप 5-7-10 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे बहुत ज़बरदस्त खुशबू होगी और आलू भी गल चुके होंगे। अभी मैंने थोड़ा सा पानी लगा के ढक कर रख दिया, अभी ढक्कन उठाया तो देखिए कितने ज़बरदस्त आलू बैंगन भी तैयार हो चुके हैं। इसमें भी वैसे सब्जी मिक्स शामिल कर लें और धनिया डाल दें, और उसके बाद ये देखिए जी आलू बैंगन की डिश आउट हो गई। आपको दोनों रेसिपीज बता दी हैं, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि मैं चैनल पर वापस आऊँ तो मेरी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया।